हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में त्रिविम समवयता अर्थात स्ट्रियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रियो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम त्रिविम समवयता क्या होता है, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके जो विभिन्न प्रकार है, विन्यासित त्रिविम समवयता, प्रकाशिक, ज्यामितिक, ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक नोट्स ये प्रोवाइड करूंगा जो आपके थ्योरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर थ्योरी एग्जामिनेशंस में अपियर हो रहे हैं तो आपको जनरली पूछा जाता है व्हाट इज त्रिविम समवयता, इसके प्रकार को समझाइए, तो आप ये नोट्स जो है वहां पे लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि त्रिविम समवयता क्या होता है। ठीक है, सो त्रिविम समवयता ऐसे दो या दो से अधिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके संरचना सूत्र तो समान होते हैं किंतु इनके अणु के परमाणुओं या समूहों का त्रिविम में वितरण डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप डिफरेंट होता है। बेसिकली इसका बेसिक पॉइंट क्या है कि त्रिविम समवयता ऐसे यौगिक जो है प्रदर्शित करते हैं जिनका संरचना सूत्र, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होगा ये डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मेन होता है क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये ए एटम है, ये बी एटम है। ठीक है, ए एंड बी एटम मिलकर जो है एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का जो है बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो दो आइसोमर्स हैं तो इस आइसोमर्स में जो है यही जो है आइसोमर्स मतलब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो एटम्स हैं ये मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट जो है आइसोमर्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स जो है से जुड़े होते हैं। तो ये जो एटम है बेसिकली ए एंड बी एटम ही मिलकर इस मॉलिक्यूल के आइसोमर्स का निर्माण करेंगे, लेकिन ये जो है डिफरेंट होंगे, कभी ए और बी इस प्रकार जुड़ेंगे, कभी यहां पे बी जुड़ेगा एंड उससे ए जुड़ेगा, कभी इस प्रकार से स्ट्रक्चर में भी जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एटम्स का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, ठीक है, आइसोमर्स में एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, उसी को त्रिविम समवयता कहा जाता है। मतलब इस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल के ये आइसोमर्स हो गए ये दोनों, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि ये इसी से ही मिलकर बने हैं, इसी के ही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी यौगिक जिनका संरचना सूत्र तो है सेम होता है लेकिन उनका अरेंजमेंट जो होता है, स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उसको त्रिविम समवयता कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली 3D में इसको इमेज किया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समवयता कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम जो है प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो इसके प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो त्रिविम समवयी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक विन्यासित त्रिविम समावयी जिन्हें कॉन्फिगरेशनल स्ट्रियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है, दूसरा होता है कंफर्मेशनल स्ट्रियो आइसोमेरिज्म अर्थात संरूपीय त्रिविम समावयी। ठीक है, तो यहाँ पे हम विन्यासित त्रिविम समावयी समझते हैं कि ये क्या होता है। इसके भी दो जो है सब टाइप्स होते हैं, सब डिवाइड इसको किया गया है। बेसिकली त्रिविम समावयता को के दो प्रकार हैं, विन्यासित त्रिविम समावयी एवं संरूपी त्रिविम समावयी, और विन्यासित त्रिविम समावयी के भी दो रूप है, प्रकाशिक समावयी एवं ज्यामिति समावयता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम समझते हैं विन्यासित त्रिविम समावयी क्या कहलाते हैं। सो ये साधारणतः अवस्थाओं में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पृथक आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। सामान्य अवस्था मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साधारण ताप पर अगर इनको थोड़ा सा भी ताप दिया जाता है तो उनका स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है सी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जब इस कार्बन कार्बन को रोटेट किया जाता है तो उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, लेकिन विन्यासित त्रिविम समावयता के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंपाउंड है ये जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या सामान्य अवस्था में जो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इनको पृथक किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इनको आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विन्यासित त्रिविम समावयी कहलाते हैं। अब इनको जो है दो डिवाइड है, इनको जो है दो भागों में बांटा गया है, प्रकाशिक समावयता एवं ज्यामितीय समावयता। अब प्रकाशिक समावयता क्या होता है? सो प्रकाशिक समावयता जिसे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है, ये क्या होते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा। ठीक है, ये एक प्रकार ये जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, तो लैक्टिक एसिड के दो इनेंसियोमर होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, एल लैक्टिक एसिड एंड डी लैक्टिक एसिड। सो एल लैक्टिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ये डी लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का जो संरचना सूत्र है ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, बेसिकली ये लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज है। ठीक है, सो ये जो मिरर
इमेज है इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। जब इस इमेज को इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर, जिनका मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है, उनको प्रकाशिक समावयता अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा। ठीक है, इनका इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसका भी सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, अर्थात इनका मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है, तो ये है प्रकाशिक समावयता। ये आप सिंपल सा इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, और ये इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप है कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमेरिज्म का, ज्यामितीय समावयता। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी नाम तो याद रखना ही है, साथ ही साथ इंग्लिश नाम भी याद रखना है, क्योंकि अगर आप भविष्य में एमएससी केमिस्ट्री में करने की सोच रहे हैं तो वहां कंप्लीट इंग्लिश मीडियम होता है, तो आपको सभी जो जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं सभी का इंग्लिश नाम आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे जब एमएससी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे ज्यामितीय समावयता, जिसे जो है ज्योमेट्रिक स्टीरियोआइसोमर्स कहा जाता है, यहां पे क्या होता है, एक प्रकार के ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, जिनमें जो ग्रुप से जो कंपाउंड होते हैं, अटैच होते हैं, ये जो है डिफरेंटली कार्बन एटम से होते हैं, मतलब इनका जो सब्स्टिट्यूट होगा ये सेम होगा, जैसे जो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड से जो है सेम सब्स्टिट्यूट जुड़े हैं, CH3, CH3, HH, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इनका, जो जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए ब्यूटीन टू एनमेलिक एंड फ्यूमेरिक अम्ल होते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटीन टू हमने एग्जाम्पल लिया है, तो ब्यूटीन टू में आप देख सकते हैं सीज ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन दो फॉर्म होते हैं, सो दोनों फॉर्म का जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, यहाँ पे तो सेम है CH3 ही है, लेकिन ये डिफरेंट कार्बन से जुड़े हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीस फॉर्म में जो है दोनों CH2 ऊपर से जुड़े हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नीचे एक CH3 जुड़ा है, यानी ऊपर एक CH3 जुड़ा है, मतलब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस प्रकार से ये दोनों जो है डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ये जो सीस ब्यूटेन एंड ट्रांस ब्यूटेन है जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरीज ज्यामितीय के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होगा। जैसे प्रकाशिक समावयता में हमने देखा था कि दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम था, लेकिन इसमें दोनों का जो है स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा, इनका कनेक्टिविटी जो है सब्स्टिट्यूट का जो है डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे ये CH3 यहां से कनेक्ट है लेकिन ये यहां से है, तो इनका कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाता है, तो उनको ज्यामितीय समावयता कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप है, जैसे पहला विन्यास त्रिविम समावयता में हमें इन दोनों टाइप पर रहते हैं, दूसरा है हमारा संरूपीय त्रिविम समावयता जिसे कंफर्मेशनल स्ट्रियो आइसोमर्स कहा जाता है। सो ये सामान्य ताप पर एक दूसरे में एकल बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन इंटर कन्वर्ट इजिली एट अ रूम टेम्परेचर के द्वारा घूर्णन के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें एक दूसरे में पृथक करना कठिन होता है, उदाहरण के लिए एथेन एवं ब्यूटेन के विभिन्न संरूपण। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा इसका परिभाषा याद रखना है कि सामान्य ताप पर, यहाँ पे हमने देखा था कि त्रिविम जो समावयता होता है, त्रिविम समावयी जो है ये एक दूसरे में इजिली जो है रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये सीसी बॉन्ड से अगर ये स्ट्रक्चर बना है तो इसको इजिली जो है ये रूम टेम्परेचर में जो है दूसरे स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं, तो इनको संरूपीय त्रिविम समावयता कहा जाता है। ठीक है, इजिली हो जाएंगे और इनको जो है पृथक करना कठिन होगा, इजिली जो इजिली जो है कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बहुत ही कठिनाई से जो है ये पृथक होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आपको जनरली एथेन एवं ब्यूटेन के जो विभिन्न संरूपण है, कंफर्मेशन है, ये याद रखना है, तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, इसको आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, यहां आप जनरली जो है इसका डेफिनेशन, ये परिभाषा और ये इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था त्रिविम समावयता का डिटेल एक्सप्लेनेशन, हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको जो है लिख सकते हैं, अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू so much for watching.